Hi students, so we were discussing about the chapter and we were in the concluding part. हम जो पार्ट के बारे में बात कर रहे थे उसमें मिस मैसन को वांडा पेट्रोन्स के लिए लेटर लिखा, उसमें ऐसा कोई गुस्सा उसने नहीं दिखाया था. रेदर शी सेड दैट शी वॉज मिसिंग एवरीबडी, वो हर एक को मिस कर रही थी. और ऑल्सो शी सेड दैट ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, शी मेड अनदर 100 न्यू ड्रेसेस, उसने 100 नई ड्रेसेस अलग बना ली. और जो ड्रेसेस दी गई थी उसने कहा था कि वो जो गर्ल पैगी थी उसको तो ग्रीन ड्रेस दे दी जाए और जो गर्ल मैडी थी उसकी फ्रेंड उसको ब्लू वन दी जाए, ये उसने कहा. तो ये मतलब द गर्ल वॉज वेरी काइंड एंड वेरी जेनरस और शी डिड नॉट हैव एनी ग्रज एनी एंगर अगेंस्ट दो स्टूडेंट्स, उसके मन में किसी के प्रति कोई विद्वेष नहीं था. तो पैगी सेड दिस शोज शी इज रियली लाइक्स अस, इट शोज शी गॉट अवर लेटर एंड दिस इज हर वे ऑफ सेइंग थैंक्स. ओके, सो बट वांडा हैड बीन नाइस टू हर एनी वे. शी वेंट होम एंड शी पिंड हर ड्रॉइंग ओवर ए टॉर्न प्लेस इन द पिंक बॉय सेड पैगी दिस शोज अस. On the way home from school, Maddie and Peggy, all the house and Holly in the windows. ए क्रिसमस का टाइम था, है ना. अब देखो क्रिसमस एंड लाइट. पैगी दिस शोज शी रियली लाइक्स अस, इट शोज शी गॉट अवर लेटर, आई होप सो शी सेड. ओके, सो दे वर हैप्पी, बोथ गर्ल्स वर हैप्पी. और ये बताता था कि उसके मन में कोई किसी भी तरह का कोई ग्रस कोई दुख उनके प्रति नहीं था. लेकिन अभी इस कहानी का सस्पेंस अभी एक और बाकी है. देखो, नाउ व्हाट हैपेंड, शी वेंट होम एंड शी पिंड हर ड्राइंग ओवर ए टोन प्लेस इन द पिंक फ्लावर्ड वॉलपेपर इन द बेडरूम. द शेबी रूम केम अलाइव, द शेबी रूम केम अलाइव. जो उसका कमरा था अस्त व्यस्त था या जो शेबी था, है ना, वो एकदम अलाइव हो गया, जीवित हो गया. जैसे हमने देखा था बड़ी अच्छे कलर, वो ब्राइट कलर्स को यूज़ करती थी, ठीक है. फ्रॉम द ब्रिलियंसी ऑफ द कलर्स, मैडी सेट डाउन ऑन हर बेड एंड लुक्ड एट द ड्राइंग एंड सेड नथिंग, बट वांडा हैड बीन नाइस टू देम. सो मैडी के बारे में बताया, मैडी बैठ के उसको वो जो पिक्चर था उसको देख रही थी, उसको लगाया था उसने वहाँ. टीयर्स ब्लर्ड हर आइज एंड शी गेज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम एट द पिक्चर, देन हैस्टीली शी रब्ड हर आइज एंड स्टडीड इट इंटेंटली. द कलर्स इन द ड्रेस वर सो विविड दैट शी हैड स्केर्सली नोटिस द फेस एंड हेड ऑफ द ड्रॉइंग, द फेस एंड हेड ऑफ द ड्रॉइंग. देखो अब वो कलर इतने अच्छे उनके ब्राइट थे, ध्यान फेस पे गया ही नहीं था. जो वो इसको इसने ब्लू कलर की ड्रेस दी थी उसका फेस क्या था ये उसने अब देखा कि वो ड्रॉइंग में फेस क्या बनाया हुआ था. बट इट लुक लाइक हर मैडी, वो जो फेस था वो मैडी का था. देखिए इसने ये पिक्चर्स बनाई थी बिफोर लीविंग स्कूल और उन्होंने उनके लेटर मिलने से भी पहले बनाई थी. उसके बावजूद उसने ब्लू ड्रेस में चेहरा किसका बनाया था, मैडी का बनाया था. लाइक द गर्ल, उस समय उन्होंने लेटर भी नहीं लिखा, कोई बात नहीं हुई थी, तब भी द गर्ल डिड नॉट हैव एनी एंगर अगेंस्ट देम, उनके प्रति मन में उनके कुछ भी गुस्सा या कोई भी विद्वेष की भावना नहीं थी. वांडा हैड रियली ड्रॉन दिस फॉर हर एक्साइटेडली शी रैन ओवर टू पैगी, ये पता होते ही वो पैगी के पास गई. लेट मी सी योर पिक्चर, उसने कहा मुझे तुम्हारी पिक्चर दिखाओ. आस्क पैगी दे क्लटर्ड अप टू हर रूम व्हेन वांडा ड्रॉइंग वाज लाइंग, लुक शी ड्रू यू, और जो उसकी पिक्चर थी उसमें उसने उसका फेस बनाया था, इसका पैगी का, जबकि पैगी उसका इतना मजाक उड़ाती थी. लेकिन उसने वो जो ड्रेस थी है ना ट्रिमिंग वाली ग्रीन ड्रेस है ना, उसमें उसने उसका फेस बनाया था. उन्होंने कहा दैट्स यू, शी एक्सक्लेम्ड एंड द हेड एंड फेस ऑफ दिस पिक्चर डिड लुक लाइक पैगी. व्हाट डिड आई से, यस एग्रीड मैडी एंड दैट शी ब्लिंक्ड अवे द टीयर्स केम एवरी टाइम शी थॉट ऑफ वांडा स्टैंडिंग अलोन इन दैट सनी स्पॉट इन द स्कूल यार्ड. अब उनको याद आ रहा था उन्होंने वांडा के साथ किस तरह से मिसबिहेव किया और वो कैसे वहाँ अकेली खड़ी होती थी स्कूल यार्ड में. लुक डिस्ट्रॉयडली ओवर ऑल एट द ग्रुप श्योर 100 ऑफ देम ऑल लाइंड अप, और जो उसकी लाइन थी जब उससे पूछते थे कहती हाँ बिल्कुल मेरे पास कितनी ड्रेसेस हैं, 100 ड्रेसेस हैं सारी की सारी लाइंड अप कर रखी हैं.
तो ये बहुत ही अच्छे नोट के साथ में ये स्टोरी ख़त्म होती है और वांडा की पॉजिटिविटी को उसमें बताया गया है। ठीक है, तो ये एक लेंथी चैप्टर था, दो पार्ट थे और ये अब दोनों पार्ट अपने कंप्लीट हो गए हैं। तो मैं फिर से एक बार दोहरा दूँ, वांडा पेट्रोन्स की लड़की का नाम था, पॉलिश थी वो, पोलैंड की थी, नाम उसका अजीब था, इस कारण उसका मजाक उड़ाते थे, पोलक पोलक बोलते थे, और उसकी बेस्ट फ्रेंड कौन थी, सॉरी मोस्ट पॉपुलर गर्ल कौन सी थी, दैट वाज पैगी, और पैगी की बेस्ट फ्रेंड कौन थी, मैडी, मैडम कौन थी, मिस मैसन। सो ये और 100 ड्रेसेस उसने बनाई हुई थी, उसमें दो ड्रेसेस जो स्पेशली ग्रीन विथ ट्रिमिंग और ब्लू फ्रेडेड ड्रेस जो हमेशा वो पहनती थी, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। इधर बोगन साइट्स भी हैं, वो भी आपको याद होना। ओके, लेट्स नाउ स्टार्ट क्वेश्चंस। देखो, हाउ डिड पैगी एंड मैडी डिफरेंट फ्रॉम वांडा, है ना, तो वांडा से कैसे अलग थी, बोथ पैगी एंड मैडी वर अमेरिकन बट वांडा वाज ए पॉलिश गर्ल। ठीक है, वो वांडा क्या थी, मैंने अभी बताया था आपको, पॉलिश थी, माइग्रेंट थी, दूसरे देशों से वहाँ आई थी, तो वो पॉलिश थी, इसलिए उसका नाम भी अलग था। पैगी एंड मैडी वर इनसेपरेबल फ्रेंड एंड हैड मैनी फ्रेंड्स बट वांडा हैड नो फ्रेंड, वांडा हैड नॉट एनी फ्रेंड। पैगी एंड मैडी यूज टू टीज वांडा बट शी सेड नथिंग, जो पैगी थी वो उसको टीज किया करती थी, वो कुछ नहीं कहती थी, परेशान किया करती थी, है ना, जो हमने देखा है। शी हैड द पावर टू बियर द इंसल्ट, वांडा वाज ए पुअर गर्ल एंड हैड ओनली वन ड्रेस दैट शी यूज टू वियर बट पैगी एंड मैडी हैड मैनी। पैगी इज़ द मोस्ट लाइक गर्ल ऑफ द स्कूल बट इट वॉज नॉट सो विद वांडा। ठीक है, तो वो अलग थी बिकॉज शी वॉज पुअर, शी डिड नॉट से एनीथिंग टू एनीबडी, बहुत कम बोलती थी और ये लोग उसकी इंसल्ट करते थे तो भी उसको बियर करती थी, सहन कर लेती थी। ओके, नाउ हाउ डज मैडी फील आफ्टर लिसनिंग टू द नोट फ्रॉम वांडाज फादर, जब वांडा के फादर को का नोट वो सुनती है तो मैडी कैसा महसूस करती है ना। मैडी कौन थी, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, मैडी वॉज बेस्ट फ्रेंड ऑफ पैगी। आफ्टर लिसनिंग टू द नोट फ्रॉम वांडाज फादर मैडी फील्स ग्रेटली हर्ट, मैडी फील्स ग्रेटली हर्ट, उसको बहुत बुरा लगता है, उसका दिल बहुत दुखता है। शी कैन नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क, शी कंसिडर हर सेल्फ कावर्ड, शी कंसिडर्स हर सेल्फ कावर्ड, वो अपने को कावर्ड या कायर समझती है। शी थिंक्स दैट शी कुड हैव आस्क्ड पैगी नॉट टू टीज वांडा बट शी कुड नॉट डू सो, है ना, वो चाहती थी कहना पर वो नहीं, हमने जैसा देखा था उसमें हिम्मत नहीं थी, उसने कहा अगर मैंने ऐसा किया तो वो मेरा मजाक उड़ाएगी, इसलिए उसने ऐसा नहीं किया। ओके, वॉट डिड पैगी थिंक अबाउट वांडा, जो पैगी थी उसने वांडा के बारे में क्या सोचती थी। पैगी, देखो, पैगी यूज़ टू मेक फन ऑफ वांडा, ये आपको याद कर लेना चाहिए। यूज़ टू मेक क्या होता है, किसी चीज़ को अगर पास्ट में आदतन किया जाता है तो उसके लिए यूज़ टू या वुड का प्रयोग किया जाता है ना, वी यूज़ टू और वुड, है ना, इफ़ हैबिचुअली डन समथिंग इन पास्ट। सो यूज़ टू मेक फन ऑफ वांडा, वो किया करती थी, उसका मजाक उड़ाती थी। She used to ask Wanda the same question about the number of her dresses. She thought that Wanda was too dumb. वो सोचती थी वांडा बहुत मंद बुद्धि है। She thought that she did not have the sense that they were making fun of her anyway. वो सोचती थी उसको पता ही नहीं चलता उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। She thought Wanda could not draw a beautiful picture, but she was surprised to see that Wanda could draw beautiful pictures. She could not bear that. She told Mary that it was due to her asking questions about her dresses. तो भाई वो तो उसका टैलेंट था, लेकिन वो अपने आप को क्रेडिट देने के लिए कहती थी कि वो इतनी अच्छी ड्रेसेस इसलिए बना पाई क्योंकि मैं उससे बार बार पूछती थी और वो ड्रेसेस के बारे में डिस्क्राइब किया करती थी। नाउ वॉट डिड मैडी थिंक ऑफ वांडा, मैडी वांडा के बारे में क्या सोचती थी। मैडी वॉज फीलिंग सॉरी फॉर हर एटीट्यूड टूवर्ड्स वांडा, देखो मैडी को बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा था, मैडी को बहुत ज़्यादा गिल्ट होता था, अपराध बोध होता था कि वो पैगी, मैडी उसको नहीं करती थी टीज, कौन करती थी, पैगी किया करती थी, और शी ऑलवेज फेल्ट वेरी सॉरी फॉर दैट। सो मैनी गर्ल्स यूज टू टीज वांडा इन मैनी वेज एंड मैडी सेड देम नथिंग, मैडी उनको कुछ नहीं कहती थी।
सपोर्ट नहीं करती थी. शी यूज़ टू स्टैंड बाय साइलेंटली, चुपचाप खड़ी रहती थी. शी थॉट ऑफ वांडा स्टैंडिंग अलोन इन दैट सनी स्पॉट इन द स्कूल यार्ड. शी लुक्ड स्टोलिडली ओवर एट द ग्रुप ऑफ लाफिंग गर्ल्स व्हेन शी हैड वॉक्ड ऑफ आफ्टर शी हैड सेड दैट शी हैड 100 ड्रेसेस ऑल लाइंड अप इन हर क्लोज़ेट. मैडी रियली हैड सिंपैथी फॉर वांडा. मैडी रियली हैड सिंपैथी फॉर वांडा. उसकी वास्तव में सिंपैथी थी, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है, क्योंकि वो भी क्या करती थी, वो भी दूसरे के कपड़े है ना, हैंड मी डाउन क्लोथ जो है वो पहना करती थी. तो वो पेगी के कपड़े ही पहनती थी, जिसे उसकी माँ थोड़े अल्टर किया कर देती थी. वो भी पुअर थी, इसलिए शी हैड सिंपैथी टूवर्ड्स वांडा. शी वॉन्टेड दैट नोबडी शुड टीज हर. ओके, नाउ व्हाई डिड वांडा नॉट वॉन्ट टू गेट हर ड्रॉइंग ऑफ 100 ड्रेसेस बैक. वांडा अपनी 100 ड्रेस वापस क्यों नहीं चाहती थी. Wanda did not want to get her drawing of 100 dresses back because she had prepared a 100 dresses drawing of dresses and they were all lined up in her closet. She wanted to give all those dresses to her classmates as a gift. देखो उसने तो पहले और बना ली थी वो, और ये अपने क्लासमेट्स को देना चाहती थी गिफ्ट के रूप में, बिकॉज वो जहाँ गई थी वहाँ पर शी हैड मेड अनदर 100 ड्रेसेस है ना, ऑल लाइंड अप इन क्लोजेट. उन्होंने सारी की सारी ये 100 ड्रेस और बना ली थी. शी रिक्वेस्टेड द टीचर टू गिव पैगी एंड द ड्रॉइंग ऑफ द ग्रीन ड्रेस. ये याद रखना आप. देखो एक तो पैगी को कौन सी ड्रेस दी थी, पैगी को तो कहा था ग्रीन ड्रेस देने के लिए, ठीक है, पैगी द ग्रीन ड्रेस. और मैडी को कौन सा कहा था, मैडी को उसने ब्लू वन. अब ये रिमेंबर करने वाली बातें हैं. शी वॉज ए लविंग गर्ल हु केयर्ड अबाउट एवरीवन. बहुत अच्छी बच्ची थी, प्यार करने वाली थी और सबका ध्यान रखती थी. तो ये बच्चों हमारा ये जो चैप्टर है, ये दो चैप्टर थे, दो पार्ट थे, ये अब समाप्त हुआ है. और मैं बातें बहुत बार दोहरा चुका हूँ, आपको याद रखने हैं, नाम याद रखने हैं, है ना. मल्टीपल चॉइस भी आपके 12 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें भी कुछ पूछा जा सकता है. तो अगर आपको कंटेंट पता है तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा. वांडा पेट्रोंस्की वाज नॉट अमेरिकन, वाज पॉलिश, है ना, पोलैंड की थी. सो शी वाज ए फॉरेनर, शी हैड ए डिफरेंट नेम, सो पीपल टीस, हर लोग उसको चिढ़ाते थे. एंड देन आस्क्ड हर अबाउट हाउ मेनी ड्रेसेस डिड शी हैव, उसके पास कितनी ड्रेसेस हैं. वो कहती थी 100 ड्रेसेस ऑल लाइंड अप इन ए क्लोजेट, सारी की सारी मैंने कतारबंद लगा रखी. ठीक है, तो इस तरह के कुछ सेंटेंसेस हैं, कुछ फ्रेजेस हैं, नाम है कैरेक्टर्स के, ये आपको कंठस्थ बाय हार्ट हो जानी चाहिए. मैंने आई हैव रिपीटेड इट मैनी टाइम्स, बहुत बार मैंने रिपीट किया है. और मेरा ऐसा मानना है कि हम जितना कान से सुनते हैं या ऑडियो विजुअल सुनते हैं, हमें उतना ज़्यादा याद होता है. इसलिए पर्सनली आई फील दैट अगर आप पढ़ते भी हैं और अगर आप बोल करके पढ़ते हैं या पढ़ी हुई चीज़ को किसी को सुनाते हैं या खुद से टीचर बन के उसको एक्सप्लेन करते हैं, यू विल लर्न ए लॉट रैदर इफ़ यू जस्ट रीड बाय योर सेल्फ, सिर्फ अपने आप में पढ़ते हैं. मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, आई फील दैट. ओके, सो नाउ आई विल डू ए स्मॉल पोइम ऑल्सो, बहुत छोटी सी बच्चों वाली पोइम है. सो इट्स ए अमेंडा. देखो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है अमेंडा में, क्या है साइन, तो ये एक संबोधन है. अमेंडा, अमेंडा नाम है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दिया हुआ है, ये संबोधन दिया हुआ है. इसमें क्या है, here we go. Every child feels that she, he is controlled and instructed not to do one thing or another. You too may feel that your freedom is curtailed. करते होता है रोकना, सीमित करना. देखो ऐसे हर बच्चा ये सोचता है कि जब एक टाइम होता है, खास बचपना जो होता है, टीन एजर होता है ना, सो जो 12, 13, 14 और जो ये ईयर होती है, उसमें जो पेरेंट्स हैं वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं बच्चों की, और बच्चों को उनका डांटना बुरा लगता है ना, वो उसको गलत मानते हैं. सो इसके बीच में ये जो जेनरेशन गैप की या जो एज की जो एक यूनिवर्सल जो लड़ाई होती है जेनरेशन्स की, उसके बारे में बहुत ही अच्छा एक साइकोलॉजिकल पॉइंट है ये. डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा. अमेंडा को समवन इज सेइंग, इसमें हालांकि बताया नहीं, बट लुक्स लाइक दैट दैट्स हर मदर. इसमें ऐसा इन्होंने उल्लेख नहीं किया, लेकिन लग ऐसा रहा है कि उसकी माँ है जो कह रही है
अमेंडा अपने नाखून मत काटो, डोंट हंच योर शोल्डर अपने कंधों को मत झुकाओ, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, ऐसे टेढ़े मेढ़े मत बैठो, सीधे बैठो। देखो अब नाउ ये तो उसकी मम्मी कह रही है ना, और ये जो वो खुद सोच रही है, अब वो बैठी बैठी सोच रही है, लैंग्विड एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इन मी, मैं एक ना शांत समुद्र में क्या अकेली निवासी हूँ, इनहेबिटेंट निवासी होता है, ए मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, और मरमेड मतलब मत्स्य कन्या की तरह आराम से तैर रही हूँ। मम्मी उसको डांटे और सोचती है काश मैं आज़ाद होकर आराम से एक मैं मत्स्य कन्या ही होती, मरमेड होती तो मैं आराम से तैरती, मुझे कोई डांटता डपटता नहीं। नाउ अगेन, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, मदर कह रही है क्या होमवर्क खत्म किया है, डिड यू टाइड योर रूम, कमरे को व्यवस्थित किया है, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़ अमेंडा, मैंने तुम्हें कहा था कम अपने शूज़ को क्लीन करने का। नाउ देखो ये कंट्रास्ट दिखाया है, जो बच्ची सोच रही है और जो मम्मी कह रही है, और वो कह रही आई एम एन ऑर्फेन रोमिंग द स्ट्रीट, में अनाथ होती ना तो घूमती आराम से कहाँ गलियों में, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ट बेयर फीट, नंगे पैरों में मेरे मिट्टी लगी हुई होती, द साइलेंस इज गोल्डन द फ्रीडम इज स्वीट, है ना, और जो आज़ादी है बहुत ही मीठी होती है और चुप्पी जो है वो सुनहरी होती है, ये लड़की सोच रही है। ओके नाउ डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, चॉकलेट मत खाओ अमेंडा। देखो ये जो 13-14 ईयर्स की एज होती है एक्नी की एज भी होती है, आप में से कई बच्चों के भी एक्नी या जो मुँह से मुँह पर आ जाते हैं वो होते हैं, तो उसमें गर्म चीज़ें चॉकलेट्स और कुछ जो तेल मसाले की चीज़ों को मना किया जाता है। ओके सो रिमेंबर योर एक्नी, ओके तुम्हारी एक्नी को देखो अमेंडा, विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, मेरी तरफ देखो अमेंडा जब मैं बात कर रही हूँ। तो बच्चों की आदत होती है ना, वो बहुत बार क्या होते हैं माता पिता की तरफ नहीं, अंदर से गुस्सा होते हैं ना, तो माता पिता की तरफ देखते नहीं। नाउ आई एम रेपेंजल, अब वो बैठी बैठी सोच रही है मैं तो ये एक लीजेंड है स्टोरी है, मैं रेपेंजल होती काश मैं रेपेंजल भी होती ना। देखो रेपेंजल होता है ये एक लीजेंड है इनकी फॉरेन की, तो उसमें लोक कथा है उसमें ये है कि रेपेंजल एक राजकुमारी थी, उसको किसी महल में बंद कर दिया गया था और शी हैड लॉन्ग हेयर, बड़े लंबे बाल थे, अपने लंबे बालों को नीचे बिछा देती है, कोई प्रिंस आता है राजकुमार आता है उसको बच्चा लेता है वहाँ से, तो कहती है आई हैव नॉट ए केयर, लाइफ इन ए टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर। देखो वो कह रही है कि रेपेंजल तो भाग गई थी अपने बालों से, बाहर निकल गई थी, लेकिन मैं तो अकेली रहना चाहती हूँ, मुझे कोई टावर मिलता मेरी मम्मी मुझे या मेरे पेरेंट्स जो हैं तो खटाखी करते, तो मैं तो रेपेंजल की तरह बाहर नहीं जाती और उस वॉन्ट ट्रेवल जो टावर है जो महल था उसमें आराम से शांति से रहती। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, मैं अपने बालों को नीचे नहीं गिराती। नाउ दीज आर द कंक्लूडिंग लाइन्स, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, सल्किंग होता है कूड़ना, अपने आप में गुस्सा करना, तो उसकी मदर कहती है बंद करो ये तुम कूड़ना, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, तुम कितनी मूडी हो अपने मन से काम करते हो, एनी बडी वुड थिंक दैट आई नेग डैट यू, कोई भी सोचेगा मैं तुम्हें परेशान करती हूँ। तो इस तरह से ये हमारी जो पोइम में समाप्त होती है, रॉबिन क्लेन है जो पोइट हैं इसके, ये रिमेंबर करने लेना चाहिए पोइट्स में तो स्पेशली, आई हैव टोल्ड यू सो मैनी टाइम्स। ओके नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, डिड यू टाइड योर रूम अमेंडा, अभी हमने देखा ये स्टेंजे में से ली गई लाइन है, एंड आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज, देखिए ये लाइन हमने पढ़ रखी है, ऑर्फेन रोमिंग विद फ्रेंड। देखो आपके जो क्वेश्चन हैं ये इस पैसेज में से इस स्टेंजा देख के उसमें क्वेश्चन दिए जाएंगे, जो इट विल बी वेरी ईजी, अगर आपने पोइम पढ़ी हुई है देखा है तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। देखो वॉट ऑल इज अमेंडा बींग टोल्ड टू डू इन दीज लाइन्स, क्या कहा गया उसको क्या करने को, तो अमेंडा इज बींग टोल्ड टू फिनिश हर होमवर्क, टाइडी हर रूम एंड क्लीन हर शूज़, ये तीनों चीज़ें उसको आपके एग्जामिनेशन में आया हुआ, इट वॉज प्रीवियसली आस्क्ड। ओके तो टाइडी करने को, रूम को व्यवस्थित करने को, शूज़ को क्लीन करने को, ये इसको कहा गया है। मैं आपको दोहरा चुका हूँ, कई बार बोल चुका हूँ क्लास में भी, रिमेंबर डोंट लीव एनी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है आपको, 24, 5, 6 जितने भी क्वेश्चन होंगे अटेम्प्ट ऑल दोज क्वेश्चन, सारे प्रश्न करने हैं, ठीक है। बहुत से बच्चे छोड़ देते हैं, नहीं वो एक्सेप्टेबल नहीं है, उसमें आपको जो मिलना होगा नंबर वो भी नहीं मिल पाएगा, अगर आप कुछ लिखोगे तो ज़रूर नंबर मिलेंगे, लेकिन डोंट लीव ए सिंगल क्वेश्चन, छोड़ना नहीं है, हर पेपर में आप निशान लगाते रहना पेन से ताकि पता रहे ये क्वेश्चन कर लिया। बहुत बार क्या होता है छोटी छोटी बातें होती हैं बहुत अच्छी, मतलब इंपॉर्टेंट होती हैं, बड़ा डिसाइसिव रोल प्ले कर जाती हैं, वेन एवर यू अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन है ना, तो उसको पेन से लाइन लगा देना, ठीक है, टिक कर देना। ओके व्हाट इज़ अमेंडा लॉन्गिंग फॉर, अमेंडा को किस चीज़ की इच्छा थी,
अमेंडा इज लॉन्गिंग फॉर बीइंग अलोन एंड फ्री एज एन ऑर्फन रोमिंग ऑन द स्ट्रीट, है ना। तो वो तो अनाथ रहना चाहती थी, है ना, अनाथ रह के क्या करना चाहती थी, अपना अकेली रहना चाहती थी, ये अमेंडा का मन था। नाउ अनदर क्वेश्चन विच वॉज आस्क्ड, हाउ डज अमेंडा बिहेव इन द पोइम थ्रू आउट, पूरी की पूरी जो पोइम है उसमें अमेंडा कैसा व्यवहार करती है। देखो, अमेंडा इज नॉट सिटिंग इन ए प्रॉपर वे, है ना, वो हम उसमें कह रही थी उसकी माँ की वाई आर यू सिटिंग स्लाउचली, है ना, तो प्रॉपर वे में नहीं बैठी, शी इज़ बाइटिंग हर नेल्स, नाखून काट रही है, शी इज़ बेंडिंग द टॉप पार्ट ऑफ हर बॉडी एंड रेज हर शोल्डर एंड बैक, ठीक है, ये हमने तो उसकी माँ इसलिए उसको बार बार उसको डांटती है ना, डोंट हंच योर शोल्डर, अपने कंधों को मत झुकाओ, और ये सारी बातें उसकी मम्मी अमेंडा की मदर कहती है। अच्छा, ये देखो मॉडल पेपर में आया हुआ है एक, हाउ इज़ द मरमेड डिस्क्राइब इन द पोइम, मरमेड का कैसे वर्णन किया गया है, द मरमेड लिव्स इन द एमरल्ड सी, है ना, हरे शांत सागर में, एमरल्ड होता है हरा, देखो हरे शांत सागर में मत्स्य कन्या रहती है, शी इज़ द ओनली इनहेबिटेंट ऑफ दैट सी, इनहेबिटेंट बोलते निवासी को, अकेली रहती है उसमें, शी मूव्स अबाउट द स्लीप ब्लिसफुली, और आनंद में इधर उधर घूमती है, तो ये मरमेड के बारे में है। नाउ व्हाई डज अमेंडा वॉन्ट टू बी द सोल इनहेबिटेंट ऑफ द सी, समुद्र में अकेली निवासी अमेंडा क्यों होना चाहती है, ना, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम इज दैट एवरी चाइल्ड अमेंडाज एज, ओके, खैर इसका ये क्वेश्चन और, सेंट्रल आइडिया यही है कि एवरी चाइल्ड ऑफ अमेंडा इज डज नॉट वॉन्ट एनी कंट्रोल, ठीक है, कोई नियंत्रण नहीं चाहते, वो एज का भी थोड़ा सा होता है, तो ये है, ओके, जो हम जिसकी बात कर रहे थे वो है, देखो अमेंडा वॉन्ट्स टू बी ए मरमेड और द सोल इनहेबिटेंट ऑफ द सी, अकेली रहना चाहती थी मत्स्य कन्या की तरह, दैट शी मे ड्रिफ्ट ब्लिसफुली इन द रिलैक्स्ड ग्रीन सी, ताकि अपने आनंद से अकेली शांत सागर में, एमरल्ड सागर में वो घूम सके, तो ये वो चाहती थी, ठीक है। तो इसमें ये भी पूछ लिया जाता है कि अमेंडा की क्या एज हो सकती है, तो इसमें बिल्कुल एक्नी की प्रॉब्लम का, ये टीनेज में होती, 13 हो सकती, 12-13 ये उसकी एज हो सकती है। और ये जो इन्होंने कंट्रास्ट किया है, ये पोइम की ब्यूटी है, ये मेन चीज़ है। मरमेड वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, क्या बनना चाहती थी, मरमेड बनना चाहती थी और एमरल्ड सी में ब्लिसफुली स्विम करना चाहती थी, रपंजल वाला क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, वो भी एक लीजेंड है। तो इस तरह से ये है, उसका आपको पोइट का नाम भी याद रखना है। ओके स्टूडेंट्स, जस्ट बी बैलेंस्ड नाउ, आपका एग्जामिनेशन भी पास में आ रहा है, आराम से संतुलित खाना खाओ, डोंट ईट हैवी फूड, ऑयली स्टफी फ्राइड फूड, जो तला भारी खाना बिल्कुल मत खाना, भी हल्का खाना खाना, ज़्यादा पानी पीना, जितना आप हल्का खाना खाओगे आलस नींद कम आएगा, और टेक ब्रेक्स ऑल्सो, बीच बीच में थोड़ा ब्रेक ले लिया, आराम कर लिया, इस तरह से अपने सिलेबस को शेड्यूल्ड बना के संतुलित भाव से आपको पढ़ना है, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।